Oh, it's so nice. See. Show. Take care. नहीं यार अच्छा नहीं है क्या बोल रही है तू इतना अच्छा तो है तो इंस्टाग्राम पे डाल दूँ इतना मत सोच डाल दे मैं करती हूँ लेकिन ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है क्या हो जाएगा हाँ मुझे नई फिल्म लगी ना वो देखने चलते हैं उसके रिव्यूज देखे हैं तूने बाय गॉड और एक्ट भी बहुत हॉट है अमेजिंग चलेंगे प्रार्थना प्रार्थना क्या हुआ तूने बोला था कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब देख रुक तो खुश आर यू सीरियस इतना अच्छा था अच्छा नहीं बहुत अच्छा था सुन केमिस्ट्री लेक्चर के बाद ना मूवी का प्लान बनाया तू चलेगी कब आज अभी और क्या ऑफ कोर्स चलूंगी तुम लोग मेरे बगैर मूवी जाने का प्लान बना रहे थे हाँ सुन टिकट्स बुक कर दे यार तुझे किसने रोज दिया ये मुझे किसी ने दिया नहीं है मैं किसी को देने वाली हूँ कैसे पार्थिव को अरे यार ऐसे मत कर तेरी सेटिंग होगी उसके साथ तो तू पराई हो जाएगी और हम दोनों तो अकेले पड़ जाएंगे ना तू ना चुप कर ड्रामा और उसने मना कर दिया तो मना क्यों करेगा मना करने का कोई रीजन भी तो होना चाहिए ना आई नो ही लाइक्स मी टू दैट्स गुड ऑल द बेस्ट तुझे याद है वो आ रहा है पर ये इतनी स्पीड में क्यों आ रहा है स्पीड में क्या चल रहा है नॉर्मल तो चल रहा है पागल इसमें डरना क्या है जा रुक जा रहा है प्लीज गोइंग पार्थिव गो 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 यस दिस इज फॉर यू अ हैप्पी रोज डे सो यू लाइक मी तुम जूनियर कॉलेज में हो ना Hey Abhishek, did you hear that? She likes me. Oh, so cute. Thanks anyway. जो हुआ है उसे भूल जाओ कल के दिन कॉलेज में नया इंसिडेंट होगा और लोगों को बात करने के लिए नया टॉपिक मिलेगा और मुझे ये भी पता है कि क्या इंसिडेंट होगा मतलब क्या होगा मतलब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जाके उनको सब कुछ बता दूंगी प्रिंसिपल को क्या बताएगी कि पार्थिव तुझ पे हंसा नहीं दैट ही ट्राइड टू एक्ट फ्रेश विद मी व्हाट हाँ मैं प्रिंसिपल को बोलूंगी दैट ही ट्राइड टू टच मी इनअप्रोप्रिएटली और तुम दोनों इस बात को कंफर्म करोगे फिर देखना लाफिंग स्टॉक कौन बनता है मैं या वो यू आर राइट अगर उसे रोज नहीं लेना था तो वो पोलाइटली भी तो मना कर सकता था इससे सीन क्रिएट करने की और ह्यूमिलिएट करने की क्या जरूरत थी आई एम विद यू मैं सर को बोलूंगी कि मेरे सामने हुआ है नहीं यार ये गलत है इतनी छोटी सी बात है तो प्रिंसिपल को ऐसा बोलेगी तो वो उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर सकते हैं सस्पेंड कर सकते हैं अगले महीने फाइनल एग्जाम्स है उसके करियर का सवाल है यार लिसन मैं ये कर रही हूँ तू बस इतना बता तू साथ है या नहीं आई एम सॉरी बट नॉट दिस टाइम और अगर तुमने भी ऐसा कुछ किया ना तो मैं खुद प्रिंसिपल के ऑफिस जाकर उनको सच बता दूंगी आई एम सॉरी गाइज बट आई एम आउट ऑफ दिस Hi girls. तुमने मेरी वीडियो देखी जो कल रात मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी Not interested. तुमने देखी नहीं अभी देख लूंगी देखना और हाँ कमेंट करना बाय द प्लान इज वर्किंग हाँ अभी तो शुरुआत है पार्थिव ने जो किया वो इग्नोरेंस में किया लेकिन इसने तो जानबूझकर धोखा दिया अब देखना क्या सबक सिखाऊंगी मैं अपना फोन निकाल इंस्टा पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर क्यों तू बना तो सही ओके डन डन नाउ स्टार्ट ट्रोलिंग हर ए मोटी इलेक्ट्रिक करंट लग गया क्या कोई तो रोक लो इस हिप्पो को
Mom, Dad, what a surprise! कैसे हो आप? पापा, आपने बताया क्यों नहीं पाने वाले हो? वीकेंड पे आ जाते, साथ में घूमने चले जाते। तेरा हाल पूछने चले आए बेटा? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ। दिमाग ठीक है? ये सब करने के लिए भेजा था तुझे यहाँ, या पढ़ने के लिए भेजा था? ना कटा के रख दी तुमने। ओफो, ऐसे बात मत करो ना, बच्ची है। बेटा, तुम्हें डांस करना है ना, करो। लेकिन ऐसे दुनिया को क्यों दिखाती हो? तो कल किसी ने वो क्या इंस्टा व्हाट्सएप लिंक भेज दिया, और वो भी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में। सबको मजाक उड़ाने का मौका मिल गया। बेटा, बहुत एम्बैरेसिंग हो गया था। अरे, हमारे लिए ही एम्बैरेसिंग नहीं, पूरी फैमिली के लिए है। तेरे मामा का भी फोन आया था, वो भी पूछ रहा था। समीपा भी पूछ रही थी कि तू कर क्या रही है। वैसे वो तो तेरी ही एज की है ना, तो वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बेटा, अब प्लीज इसे बंद करो और अपना ये अकाउंट डिलीट करो। हाँ बेटा, डांस किसको दिखाना है? साइंस पढ़ने आई हो ना, पढ़ाई ख़त्म करो और घर वापस आ जाओ। जाओ, क्लास में जाओ, अच्छी तरह से पढ़ाई करो और करियर पे ध्यान दो। हाँ, मैं बाद में बात करूँगी। जाओ। ए मोटी, डांस तो करके दिखाना। I'll call you back. प्रार्थना, right? May I? Sure. Thanks. मैंने तुम्हारे डांसिंग वीडियोस देखे। हाँ, सबने देखा। And I think they're really good. Is this a new way of mocking me? No. I mean it. सच में बहुत ही अच्छे। In fact, मैं भी एक डांसर हूँ और तुम्हारी तरह ही इंस्टाग्राम पर डांस वीडियोस अपलोड करती हूँ। यस, आई फॉलो यू। मैंने आपकी डांसिंग वीडियोस देखे हैं, दे आर रियली गुड। यू आर क्वाइट बिग ऑन इंस्टाग्राम। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन ट्रोल से बचना इट्स इम्पॉसिबल। यू आर रॉन्ग, आपको कभी नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। ट्रोलिंग हमेशा मुझ जैसी मोटी लड़कियों की होती है। इज दैट व्हाट यू रियली थिंक? तुम्हें लगता है कि आज तक मुझे कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया? हाँ, सुबह की बात है, मेरे एक डांस वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि अगर मैं छोटी स्कर्ट पहनकर डांस वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट लगूँगी। दैट्स डिस्गस्टिंग। आई नो, राइट? पर तुम्हें पता है मैंने क्या किया उसके बाद? इससे पहले कि उस कमेंट पे कोई एंगेजमेंट आती, मैंने वो कमेंट ही डिलीट कर दिया और उसके बाद उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया। अब वो चाहकर भी मेरा अकाउंट तो कभी सर्च नहीं कर पाएगा। कैसे किया आपने ये सब कुछ? वेट, आई टीच यू एवरीथिंग। एक सेकेंड, ब्लॉकिंग, रिस्ट्रिक्टिंग एंड डिलीटिंग। इन फैक्ट, अगर तुम चाहो द वर्ड्स विच आर इम्प्रॉपर टू यू लाइक मोटी, फैट, तुम उनको भी ब्लॉक कर सकती हो। इट्स इजी, आई विल टीच यू। पहले सिर्फ एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्संस या पॉलिटिशियंस ही फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरनेट स्टार्स हैं, जैसे इंस्टाग्रामर्स, फेसबुक क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स एक्सेट्रा। वो भी उतने ही फेमस होते हैं और कभी कभी उनसे ज्यादा। लेकिन जब भी आप अपने टैलेंट को एक पब्लिक डोमेन में लाते हैं तो जाहिर सी बात है हर तरह के कमेंट्स आएंगे, अच्छे बुरे दोनों। ज़रूरी बात यह है कि नेगेटिव कमेंट्स को अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनको लिखने वाले सिर्फ ट्रोल्स हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इन्हें इग्नोर करें। इंस्टाग्राम में कई ऐसे टूल्स हैं जिससे आप कोई भी प्रोफाइल ब्लॉक कर सकते हैं या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल नहीं सिर्फ कुछ वर्ड्स ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। ये सब हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। अगर प्रार्थना को इनके बारे में पहले ही पता होता तो शुरुआत में ही वो ऐसे प्रोफाइल्स को ब्लॉक कर सकती थी और ऐसे गलत बिहेवियर को डिस्करेज कर सकती थी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ऑप्शंस को जानें और ज़रूरत है टू बी सेफ।